हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 6 फॉर क्लास 9th सामाजिक विज्ञान की। बच्चों, ये वर्कशीट है जो आपके लिए 20th जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट भी बच्चों काफ़ी ईजी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, और रिविज़न कहेंगे हम इसको, ठीक है। हिस्ट्री का रिविज़न है ये, बेसिक कॉन्सेप्ट का आपका। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर न्यू हो। सो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट का टॉपिक क्या है? इतिहास की समझ भाग एक। इतिहास, इतिहास का मतलब तो आप समझते ही हो, ठीक है ना, जो पुरानी चीज़ें हैं उनके बारे में पता करना, वो क्या है, वो हमारा इतिहास। सो इसमें हम पढ़ेंगे इतिहास जो है वो हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है, क्यों हम इतिहास को पढ़ते हैं, हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं हम। इतिहास मानवता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ठीक है। इतिहास मात्र है जानने के लिए नहीं है कि इस दुनिया के अतीत में क्या हुआ था। यानी बहुत सारे जो है हम ये समझते हैं कि इतिहास का मतलब जो पीछे हो चुका है उसी को पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इतिहास जो है वो हमें फ्यूचर और प्रेजेंट से जोड़ता है कि पास्ट में क्या था, कैसे उसको हम फ्यूचर में लेकर आए, और कैसे उसको हम प्रेजेंट में लेकर आए हैं, और कैसे उसको हम फ्यूचर में लेकर जा सकते हैं। तीनों काल को कनेक्ट करता है इतिहास। यह हमारे वर्तमान में जीने और बेहतर भविष्य का निर्माण करने में बहुत सहायक है। इतिहास में अब तक घटित घटनाओं या उनसे संबंध रखने वाली घटनाओं का काल क्रमानुसार घटित होने का समय वर्णन होता है, ठीक है। यानी क्या पीछे जो है क्या घटित हुआ था और अब क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है, तो ये क्रमानुसार जो है क्या होता है, ये हिस्ट्री है। दूसरे शब्दों में मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही क्या है, इतिहास है। इन घटनाओं व ऐतिहासिक तथ्यों को साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित किया जाए। साक्ष्य क्या होते हैं, एविडेंसेस, कि जो कुछ घटित हुआ था उनके बारे में जो जो साक्ष्य मिलते हैं, जो एविडेंसेस मिलते हैं, उनके बेस पे हम चीज़ों को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। विश्व इतिहास पिछले लगभग 3000 वर्षों के दौरान प्रमुख सभ्यताओं का अध्ययन है। तो पिछले जो है लगभग 3000 वर्षों के दौरान जो कुछ भी घटा है उन सभी सभ्यताओं का क्या है, अध्ययन है। लिखित प्रमाणों के मिलने से पूर्व का इतिहास प्रागैतिहासिक काल माना जाता है, ठीक है। जो लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं, यानी बहुत पहले के जो रिटन स्क्रिप्ट हमें नहीं मिली, उससे पहले का इतिहास जो वो जो क्या कहलाता है, यानी जिसमें हमारे पास कोई रिटन प्रूफ नहीं है, रिटन एविडेंसेस नहीं है, वो इतिहास कहलाता है। प्रागैतिहासिक काल जो है वो कहा जाता है, जिसमें मानव सभ्यता को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग हैं और वो मानव सभ्यता के, एक है आदिम पाषाण काल, ठीक है, उसके बाद है पूर्व पाषाण काल, उसके बाद उत्तर पाषाण काल, और लास्ट है धातु काल। प्रागैतिहासिक काल को समझने व जानने के मुख्य स्रोत हैं खुदाई से मिले उस समय के पत्थर के औजार और हथियार, ठीक है। तो उस समय जो पुराने समय में जो औजार मिले, हथियार मिले, उन्हीं के आधार पर जो इतिहास है, ठीक है, उसको समझा गया है। जीवाश्म मिले हैं, मिट्टी के बर्तन, गुफा, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, जैसे आवासों के अवशेष, यहाँ तक कि वहाँ मिले कूड़े से भी उस काल को जानने में मदद मिलती है। यानी जो एविडेंसेस हैं, आपने जो है पहले पढ़ा है कि दीवारों पे चित्र बने हुए मिलते थे, गुफाओं में चित्र थे, संकेत मिलते थे, पुराने पुराने जो जो औजार हैं वो मिले हैं खुदाई के दौरान। तो इन सभी से हमें इतिहास को समझने में, इतिहास को पढ़ने में जो है हमें सहायता मिली है, ये सारे जो प्रूफ हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको चित्र में दिखाया गया है कि ये पुराना जो है, ये पुराने मटके, इस तरह के जो बोन्स हैं, और ये देखिए पुरानी दीवारों पे चित्र हैं, ये जो उस समय के लोग जो जो अपनी क्या कह सकते हो कलाकृति जो करते थे पत्थरों के ऊपर, जो अगर उन्होंने पत्थरों पे बनाए हैं तो वो एविडेंसेस मिले हैं, क्लियर है। या आर्ट का जो वर्क करते थे तांबे के बर्तनों के ऊपर जो पहले धातुएं मिलती थी, तो उन सब से जो है इतिहास को समझने में सहायता मिलती है। चित्रों में गुफा चित्र हैं, कब्र में मृतक के साथ बकरी, दफन यानी मृत भांड व चांदी के सिक्के हैं, भोजपत्र पर पांडुलिपि इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत हैं।
तो पहले जो है कब्र में मृतक के साथ बकरी दफन, इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि पहले के जो लोग थे वो समझते थे कि मरने के बाद मनुष्य एक संसार छोड़कर दूसरे संसार में जा रहा है, ठीक है, और एक उसको वहाँ पर भी इन चीज़ों की ज़रूरतें पड़ेगी, क्लियर है। तो इसीलिए वो जो भी मरने के बाद जिन चीज़ों की जो व्यक्ति है उसको ज़रूरत पड़ती है वो सारे उसके साथ रख दिए जाते थे। चांदी के सिक्के हैं, ये सब चीज़ें खुदाई के दौरान जो मिले हैं। उसके अलावा देखिए भवन है, सिक्के, मुहरे, भोजपत्र, ताड़पत्र, ताम्रपत्र, ताम्र क्या होता है, तांबा, उसके ऊपर जो पांडुलिपियाँ लिखी हुई हैं, शिलालेख हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, साहित्य, व्यापारियों वृत्तांत के यात्रियों के वृत्तांत हैं, तो ये सब मिले हैं जिनसे हमने इतिहास के बारे में जाना है। आमतौर पर इतिहास का वर्गीकरण तीन हिस्सों में किया जाता है, प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास, ठीक है। तो मेन जो है हम तीन हिस्सों में इसको पढ़ते हैं, बहुत प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक काल। प्यारे बच्चों, आपके अपने परिवार के मूल निवास स्थान, कार्य, खान पान, रहन के तरीकों में हुए बदलाव को जानने और समझने के लिए इन सभी का इतिहास जानकर देखिए, सचमुच बहुत रोचक यात्रा होगी, हमारे आज को समझने में इतिहास जो यात्रा बहुत ही सहायक रहेगी, ठीक है। तो आप जो है अपने परिवार, ये एक आपके लिए एक एक्टिविटी है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 की है, इसमें आपको क्या करना है, अपने परिवार के इतिहास को लिखने का प्रयास करना है, पूर्वजों के नाम, पूर्व निवास स्थान, स्थान छोड़ने का कारण लिखते हुए एक चार्ट पर दर्शाइए, तो आपको एक चार्ट बनाना है, ठीक है। पहले आप एक्टिविटी समझ लीजिए, फिर हम तीनों प्रश्न करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, एक चार्ट बनाइए और उस चार्ट पर एक ऐसे जो है ट्री बना लीजिए, और उस ट्री की जो है आप ब्रांचेस भी दिखा सकते हो, जैसे आप जब छोटे बच्चे थे तब आप ट्री फैमिली चार्ट बनाते थे ना, इस तरह का फैमिली चार्ट बनाना और अपने पापा दादा से उनसे पूछ के जितना उनको पता है कि उनके पहले बहुत पहले पूर्वज का नाम क्या था, ठीक है। तो बहुत पहले जो पूर्वज है उनका नाम यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा, फिर उनके कितने बच्चे हुए, उनकी फैमिली आगे जो है उनकी फैमिली कौन कौन है, उनकी फैमिली में कौन है, इस तरह से एक बहुत बड़ा चार्ट आप बना सकते हो, आगे उनकी फैमिली होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक चार्ट पेपर पे ये सारी डिटेल जो है वो लिख के और इसको बनाना है, और फिर आपको लिखना है इसमें कि वो पहले वो लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, अलग अलग स्केचेस का यूज़ करके आप इस एक्टिविटी को कर सकते हो, और स्थान छोड़ने का कारण, यानी पहले वो लोग कहाँ रहते थे, वहाँ से दूसरी जगह आए तो वो उसका रीज़न क्या था, क्या कारण था, तो सबकी ये हिस्ट्री अलग अलग रहेगी, तो इसीलिए सबको ये एक्टिविटी अपनी अलग अलग करनी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे तीन क्वेश्चन दिए गए हैं, तो तीनों क्वेश्चंस का आंसर हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का क्या महत्व है। तो बच्चों हमने पढ़ा इतिहास हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, इतिहास का बहुत व्यापक महत्व है, क्योंकि इसके अध्ययन से हम अतीतकालीन सभ्यता, वहाँ की जो है अपनी संस्कृति के आधार पर वर्तमान संस्कृति को समझने में समर्थ होते हैं और उसके क्रमिक विकास का ज्ञान प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, लिखित प्रमाणों से पूर्व के काल का इतिहास किन भागों में बांटा गया, यानी जब तक हमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं तो उससे पहले का जो काल है उसको कितने भागों में बांटा गया है, उसके पूर्व का इतिहास को क्या कहते हैं हम, लिखित प्रमाणों के मिलने से पूर्व का इतिहास प्रागैतिहासिक काल माना जाता है, जिसमें मानव सभ्यता को 4 भागों में बांटा गया है, आदिम पाषाण काल, ठीक है, यानी पाषाण क्या होता है बेटा, पत्थर, तो आदिम पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और लास्ट का वाला कौन सा काल आता है, धातु काल, जब धातुओं की खोज हो गई थी, तो ये आप आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट है प्रश्न 3, आप किसी परिवार के खाने पीने की आदतों का पता उस घर के कचरे से किस प्रकार लगा सकते हो। तो देखिए बेटा, घर में खाने पीने की आदतों से बिल्कुल पता लगाया जा सकता है, अगर आपके घर में बहुत सारा जंक फूड के रैपर्स मिलेंगे और फिर आप जो है कोई अगर आपका कचरा देखता है तो ऑब्वियसली बता देगा कि आप लोग घर में क्या खा रहे हो, लेकिन अगर डस्टबिन में बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के छिलके, ये चीज़ मिलती हैं तो इसका मतलब आप हेल्दी डाइट ले रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरह से हम घर के कचरे से बता सकते हैं, तो घर में खाने पीने की आदतों का पता करके उसके पता जो है उसके कचरे से लगाया जा सकता है, क्योंकि मान लीजिए घर के कचरे में अगर सब्जियों और फलों का कचरा ज़्यादा है तो उस घर के लोग अच्छी डाइट लेते हैं। तो ये जो एग्जांपल है तो आप इसमें और भी ऐड करके अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर लिख सकते हो। सो ये हो गई आपकी आज की वर्कशीट बेटा, आई होप आप सबको वर्कशीट क्लियर है, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो,
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।